नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डीएस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राठौड़ की रेसल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करें गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा के फल को लेकर के। गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा की कुल अवधि 2 वर्ष 4 महीने और 24 दिन की होती है। यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में गुरु और राहु की स्थिति बलवान है, शुभता लिए हुए यानी गुरु और राहु उच्च के हैं, मित्र राशि में हैं अथवा अपनी ही राशियों में हैं या फिर शुभ राशियों में हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हो रहे हैं यानी शुभ ग्रहों से उनकी युति बन रही है अथवा शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है या कुल मिलाकर के उनकी कुंडली में शुभता स्थिति बनी हुई है यानी शुभ स्थिति में है दोनों ही कुंडली में गुरु और राहु बलवान स्थिति में केंद्र में है अथवा कोई षडाष्टक योग ना बन रहा हो उनके साथ में, पाप रहित हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं हैं, तो ये सारी अवस्थाएं उन ग्रहों को कुंडली में शुभता प्रदान करती है, बलवान बनाती है। और अगर कुंडली में गुरु और राहु के साथ भी यही है यानी गुरु और राहु बलवान स्थिति में है और शुभता लिए हुए हैं तो जातक को अनेक प्रकार के सुख प्रदान करवाती है ये अंतरदशा। और विशेष कर राजनीति से संबंधित जातकों को ये अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त करवाती है और जातक राजनीति से संबंधित कामों में आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और वो हर दृष्टि से सुखी रहता है। और अगर इस दशा में राहु तीसरे घर में, छठे घर में, ग्यारहवें घर में अथवा दसवें घर में है यानी 3, 6, 10 और 11वें घर में अगर राहु है और दोनों में से कोई भी उच्च के हैं या शुभ प्रभाव में है तो जातक को राज से सम्मान प्राप्त होता है, राजा से सम्मान प्राप्त होता है या जिस राज्य में वो रहता है उसके मुखिया से उसको सम्मान प्राप्त होता है और अचानक धन लाभ मिलता है। चूंकि राहु अचानक फल देने वाले ग्रहों में जाने जाते हैं तो जातक को अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है, विदेश यात्रा का योग बनता है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है। परंतु इनमें से कोई भी ग्रह यानी गुरु या राहु नीच राशिगत हो जाएं, निर्बल हो जाएं, कुंडली में अशुभता लिए हुए हों, शत्रु के क्षेत्र में हों, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, पाप प्रभाव हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएं अथवा षडाष्टक योग निर्मित करें तो व्यक्ति को सिर का रोग, शरीर से पीड़ा, उसका शरीर कमजोर होने लगेगा, अचानक हर दृष्टि से उसे हानि उठानी पड़ेगी, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, बिजली का डर बना रहेगा, बिजली का भय बना रहेगा, अग्नि का भय बना रहेगा, उसके सम्मान में कमी आएगी, सम्मान का नुकसान होगा, मान सम्मान का नुकसान होगा, पद मुक्त हो सकता है। अगर वो किसी जगह नौकरी कर रहा है तो उससे नौकरी छोड़ने की नौबत आ सकती है या पद से पदावन्नति जैसी स्थिति बन सकती है। और यदि गुरु अशुभ प्रभाव युक्त है, राहु के साथ साथ यदि गुरु भी अशुभ स्थिति में है तो जातक के धर्म कर्म के प्रति जो आचरण करने वाला जो उसका व्यवहार है वो बदल जाएगा यानी व्यक्ति जो है वो धर्म का अनुसरण नहीं करके धर्म विरोधी बनने लग जाएगा, धर्म का विरोध करने लगेगा, धर्म का अनुसरण नहीं कर पाएगा, वो दुष्ट लोगों की संगति में भ्रष्ट हो जाएगा, वो भूत प्रेत बाधा होने की आशंका बढ़ जाएगी या इस तरह के उसके मन में भय पैदा होगा, विचार पैदा होगा, उनसे वो ग्रसित रहेगा, परेशान रहेगा। जातक को अगर किसी के साथ में साझेदारी की हुई है तो उससे उसका झगड़ा होगा, उस साझेदारी के टूटने का भय बना रहेगा, गठिया रोग जैसी बीमारी से और वात जनित जैसे वात पित्त और कफ होते हैं उसमें से वात जनित रोगों से जातक त्रस्त रहेगा, बंधुओं का संताप उसे झेलना पड़ेगा, बंधुओं के साथ में उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है उसमें कटुता आ जाएगी, साथ ही साथ बंधुओं के साथ में उसको संताप का सामना करना होगा, मस्तिष्क में घोर दुश्चिंताएं और व्यथाएं और अनावश्यक भय और चिंताएं घर कर लेगी, बीमार हो जाएगा जातक, चोर से भय पैदा होगा उसको, चोरी से भय पैदा होगा, घर में चोरी हो सकती है, किसी गुरुजन की या घर में जो भी वृद्ध है उसकी बीमारी से उसको चिंताएं बढ़ेगी, जातक स्वयं पेट के विकार से ग्रस्त रहेगा और जिस राज्य में वो निवास कर रहा है उसके राजा से उसको पीड़ित होना पड़ेगा, उससे उस राजा से दंड का भी भागी होना पड़ सकता है, उसके शत्रुओं से उसके कष्टों में वृद्धि हो जाएगी, उसके धन का नाश हो जाएगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और राहु देवताओं का शत्रु है। अगर कुंडली में गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा हो और गुरु और राहु की निर्बलता है, कुंडली में अशुभता है तो मानकर चलिएगा कि जातक को इस अवधि में 2 वर्ष 4 महीने और 24 दिन की अवधि में अनेक प्रकार के कष्टों, संकटों का और अशुभ फल
उसको पाना स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु और जो देवता और जो राक्षस हैं उन दोनों में कभी भी आपस में बनती नहीं, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और वहीं राहु जो हैं वो देवताओं के शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो गुरु की माँ दशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी, और अगर उसमें गुरु और राहु की स्थिति अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से जातकों को अनेक प्रकार के अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये था गुरु की माँ दशा में राहु की अंतर्दशा का फल कथन। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।